हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक साल में कितने ट्रायल्स दे सकते हैं। जब मैंने क्रिकेट को शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगता था, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि यार पूरे साल हम मेहनत करते हैं और जस्ट एक ट्रायल दे पाते हैं, और अगर उसमें हमारा नहीं होता तो हमारा पूरा साल वेस्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार एक से ज़्यादा ट्रायल देने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि हम ग्रो कर सकें। बहुत सारे बच्चों के माइंड के अंदर सेम कन्फ्यूजन रहता है, जो मैं आज इस वीडियो के थ्रू दूर करने वाला हूँ। अगर आपका यही कन्फ्यूजन था तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमें हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो आप में फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ, अगर आप अपने गेम को ग्रो करना चाहते हैं, क्रिकेट की बारीकियां सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी एज अंडर 14 है, 16 है, 19 है या 23 है, तो आप कितने कितने ट्रायल्स दे सकते हैं, अब मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। अगर आपकी एज अंडर 14 है तो आप अंडर 14 के साथ साथ अंडर 16 का और अंडर 19 का ट्रायल भी दे सकते हैं। इन द सेम मैनर, अगर आपकी एज अंडर 16 है तो आप अंडर 19 का और अंडर 23 का भी ट्रायल्स दे सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप 19 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 19 के ट्रायल के साथ साथ अंडर 23 और रणजी ट्रॉफी का भी ट्रायल्स दे सकते हैं। और अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अंडर 23 का ट्रायल देना है और रणजी ट्रॉफी का ट्रायल देना है। तो कुछ इस तरह आप ट्रायल्स दे सकते हैं। एक साल में दो ट्रायल दे सकते हैं, तीन ट्रायल दे सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि आप इन ट्रायल्स को कैसे दे सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप अपनी एज कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल करने जाते हैं, वो चाहे आप ऑनलाइन फिल करते हैं या ऑफलाइन फिल करते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप अपने एसोसिएशन के ऑफिस में फॉर्म फिल करने जाते हैं, उसको सबमिट करने जाते हैं, तो उसी समय आप अंडर 16 का फॉर्म भी भर सकते हैं, अंडर 19 का फॉर्म भी भर सकते हैं, अपने एज कैटेगरी के हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप अंडर 14 है तो आप अंडर 16 का भी फॉर्म भर सकते हैं, अंडर 19 का फॉर्म भी भर सकते हैं, अपने सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आपकी एज अंडर 14 है तो आप अंडर 16 का ट्रायल का फॉर्म भर सकते हैं, अंडर 19 का फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह 16 वाले भी कर सकते हैं, 19 वाले भी कर सकते हैं और 23 वाले भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि वो आपको अलाउ करेंगे फाइनल ट्रायल्स में या नहीं करेंगे अलाउ। अब आपके माइंड के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि सर, डिस्ट्रिक्ट के प्रोसेस से सिलेक्शन होता है। यस, डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, आप डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे पूरे साल, आप डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट वगैरह खेलते हैं, जोन खेलते हैं, वो सारी चीज़ें खेलते हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन मैं आपसे कौन सी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ उन ट्रायल्स की जो सितंबर अक्टूबर के अंदर होते हैं, जहाँ सारे के सारे प्लेयर्स आके पार्टिसिपेट करते हैं, मैं उन ट्रायल्स की आपसे बात कर रहा हूँ। तो वहाँ जाने के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको अंडर 14 का अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, 16 का अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, 19 का अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर 23 का करेंगे, फिर रणजी ट्रॉफी का करेंगे। तो अलग अलग आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो स्टेट है वो कितने ट्रायल्स के लिए आपको अलाउ कर रही है। कई केस के अंदर ऐसा होता है कि जो बच्चे अंडर 14 का ट्रायल देते हैं उनको 19 का ट्रायल देने के लिए अलाउ नहीं करा जा सकता, वो सिर्फ अंडर 16 तक ही दे सकते हैं ट्रायल। तो ये वाली कंडीशंस भी होती हैं। ये सारी की सारी कंडीशंस आपको कब पता चलेंगी, जब आप फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तब आपको ये सारी बातें पता करनी वहां पर जाकर, और वहां पर आपको आराम से इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब कई सारे बच्चों के माइंड के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि सर, अगर मैं अपने से ऊपर की एज कैटेगरी के अंदर ट्रायल देता हूँ तो क्या मैं वहाँ सेलेक्ट हो सकता हूँ? गाइस, अगर आप सेलेक्ट नहीं होंगे ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आप वहाँ जाके पक्का कुछ ना कुछ सीखेंगे कि कंपटीशन कैसा है, किस तरीके के बच्चे आते हैं, किस तरीके के बॉलर आते हैं, किस तरीके के बैट्समैन आते हैं, आपको हर एक चीज़ वहाँ जाके पता लगेगी। जब आप उस कैटेगरी के अंदर ट्रायल देने के लिए जाएंगे ना नेक्स्ट टाइम, या एक साल बाद या दो साल बाद, तो आप अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, राइट? तो आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए जाना है कि यार मैं ऐसे क्या सीख सकता हूँ। कई बार जो हम सोचते हैं ना कि ट्रायल्स में ऐसे बच्चे आते हैं, वो बच्चे आते हैं, ऐसे बैट्समैन आते हैं, ऐसे बॉलर आते हैं, कई बार वो रियलिटी सच नहीं होती, वो कई बार फेक चीज़ें होती हैं। तो आपको कंपटीशन का पता लग जाएगा कि एक्चुअली मुझे कितनी तैयारी करनी है, दैट्स इट। तो इसलिए अगर हो सके तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रायल देने की कोशिश करिएगा और वहाँ से सीखने की कोशिश करिएगा। तो गाइज, ये था हमारा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलने वाला हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो वेरी मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना।